डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि हाउ टू डिसाइड या फाइंड नंबर ऑफ बाइस। दोस्तों, ये सबसे अधिक कमेंट मैंने पाए हैं अपने वीडियोस पे कि सर मुझे पता ही नहीं चलता है कि नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियोस और बनाया है इस पर, लेकिन उससे भी सिंप्लीफाइड ये वीडियो होने वाले हैं, उससे भी इजी टू अंडरस्टैंड होने वाली है। दोस्तों, इसका सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ टू का लिखना है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ टू कहने का मतलब क्या है, जैसे आप टू लिख रहे हो, टू टू द पावर एन, ठीक है। अब इस पे एन की वैल्यू आप लेते लेते जाओ वन टू सिक्स तक, ठीक है। ठीक है, टू टू द पावर वन कहने का मतलब है टू। अगर दो के पावर दो कर देंगे चार, दो के पावर तीन कर देंगे आठ, दो के पावर चार कर देंगे सोलह, पांच कर देंगे बत्तीस, छह कर देंगे चौसठ। आप पहले जब भी आप एग्जाम में जाओगे, नॉकआउट टूर्नामेंट की फिक्सर ड्रॉ करनी होगी, तो आप सबसे पहले ये कर लेना कि दो चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ, ये लिख लेना, सबसे आपका बेसिक स्टेप है, ठीक है। इसके बाद अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं कि आपको फाइंड कैसे करना है। मान लो कि आपको एग्जाम में आ गए नॉकआउट फिक्सर ड्रॉ करने को 14 टीम्स की, ठीक है। तो आप 14 को पहले देखो कि ये किस रेंज के बीच में आ रहा है, ठीक है। दोस्तों, मैं 14 को बताऊं तो ये 8 और 16 के बीच में बोल सकता हूं कि अगर मैं 8 और 16 के बीच में ही, तो 14 होगा ना, क्योंकि 8 से ये बड़ा है, 16 से छोटा है। तो आपको क्या करना है, जो 14 से जस्ट आगे वाला नंबर है, यहां पे जैसे 16 है तो 16 लिख देना है, और आपके नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं 14, तो 16 माइनस 14 दैट इज 2। बहुत ही सिंपल है, यानी कि यहां पे दो बाइज हो जाएंगे। उसी तरह मैं अगले एग्जाम्पल के साथ बढ़ूं तो यहां पे मान लो कि आपके एग्जाम में फिक्सर ड्रॉ आ गए 31 टीम्स के, ठीक है। अब 31 को तुम आप लोग ढूंढ लो कि कहां पे 31 है, तो 16 और 32 के बीच में तो 31 है ना, तो इसे आप लिख लो, ठीक है। तो इसका 31 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है, 32। 32 मैंने यहां लिखा माइनस 31 दैट इज 1, यानी कि यहां पे 1 बाइज हो जाएंगे। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कि ऐसा कंडीशन हो गया जहां पे नंबर ऑफ टीम्स हो गए 16, यानी कि 16 इसमें आ रहा है और नंबर ऑफ टीम्स भी 16 है, तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके कंसेप्चुअल जो आप समझोगे ना वो कभी भी बर्बाद नहीं जाने वाला है। तो यहां पे 16 टीम है, तो आप यहां क्या कर दो, 16 ही लिख दो, और माइनस 16, यानी कि यहां पर 16 टीम थी और 16 यहां पर है, तो 16 माइनस 16 दैट इज 0, यानी यहां पर 0 बाइज, यानी कि ये नो बाइज कंडीशन है, यहां पर एक भी बाइज नहीं मिलने वाले हैं। और ये घबराना मत कि भाई यहां पे 0 बाइज, ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी बाइज आपको 9 10 12 14 भी देने पड़ सकते हैं, कभी कभी बाइज नहीं देने को होता है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि हम नंबर ऑफ टीम्स मेरे यहां पे हो गए 9, ठीक है। तो 9 को आप देखो कहां पे आ रहा है, और 8 और 16 के बीच में हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया 9। अब 9 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है, 16, तो यहां पे मैंने लिख दिया 16, और मेरे पास नंबर ऑफ टीम्स कितने थे 9, तो मैं इसको सबट्रैक्ट करूं तो कितने हो गए 7, यानी कि यहां पे 7 बाइज। दोस्तों, ये इजिएस्ट वे था बताने को, आशा करता हूं कि आप ये चीजें समझ भी गए होंगे। दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये तो मैंने 22 निकाल लिए, लेकिन अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे 22 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, यहां पे सिर्फ मैं फॉर्मूला बता देता हूं आप लोग को कि अपर हाफ में 22 का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है बी माइनस 1 बाय 2, और लोअर हाफ में 22 का फॉर्मूला होता है बी प्लस 1 बाय 2। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बढ़ूं तो यहां पर अगर नंबर ऑफ कल 22 मान लो कि 7 है, ठीक है। यहां पे ये कैसा है 7, ये है मेरा ऑड, और ये मैंने फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, ऑड के लिए ही लिखा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6 बाय 2 दैट इज 3, यहां पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 दैट इज 8 बाय 2 दैट इज 4, यानी कि 4 प्लस 3 इजकल टू 7। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर अगर वहां पे बाइज इवेन हो गया तब, दोस्तों अगर वहां पे बाइज इवेन हो गया, बाइज अगर हो गया आपका इवेन, तो वहां पर आपका फॉर्मूला चाहे एलएच रहे, नहीं चाहे अपर हाफ रहे या लोअर हाफ रहे, यूएच मतलब अपर हाफ, एलएच मतलब लोअर हाफ, वहां पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा बी बाय 2। जैसे मान लो कि यहां पे दो बाइज मिले हैं, तो बी बाय 2 डाट इज इक्वल टू 2 बाय 2, यानी कि एक बाइज अपर में हाफ में दे दो, एक बाइज लोअर हाफ में दे दो। यहां पर एक है तो एक को आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, एक ऐसा है ऑड है, तो आप इसको इस मेथड पे ले जाओ, उसके बाद आपको हो जाएगा। दोस्तों, ये आप चीजें समझ गए होगी। दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आएंगे अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो,
ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसको इजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी टीम की जो मेन मोटो है वो है कि हम लोग कंसेप्चुअल पढ़ाएं बच्चों को, ताकि आप लोग कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो वो चीजें आपको हमेशा आपके माइंड में रहेगी और आप हमेशा अच्छा करोगे। दोस्तों इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज में रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है कि हम लोग की टीम ये समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। हम लोग ऑफलाइन तरीके से ऑनलाइन तरीके से बच्चों के पास पहुंच रहे हैं, हम लोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं। मेरी टीम में कुछ ज्यादा मेंबर नहीं है, लेकिन जितने भी मेंबर है वो हम लोग एक्टिवली समाज को शिक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एक भारत के नागरिक होने के नाते एक हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने सोसाइटी को वापस दें, वो है कि हम लोग शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। तो दोस्तों आपकी मुझे हेल्प चाहिए, आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी मैं आपको काम असाइन कर सकता हूं, और आपको मैं अगर अभी हेल्प मांगू तो वो मेरा होगा कि मुझे अगर आप हेल्प कर सकते हैं वो इकोनॉमिक हेल्प, क्योंकि हम लोगों की टीम जो है कुछ ऐसे बच्चों से मिलती है जिनके पास इतने गरीब है, वो लोग पेन नहीं है लिखने को, कॉपी किताब नहीं है, मैं उन्हें खुद के पैसे से खरीद के देता हूं, लेकिन ऐसे कंडीशन में मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमारी टीम के साथ। तो दोस्तों आपका एक रुपये का मदद हमारी टीम के लिए बहुत ही संजीवनी का काम करेगा। दोस्तों आप अगर आपके पास एक रुपया है पेटीएम में तो आप मुझे दे दें, ऐसा मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको, बट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर है तो दे दें, ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सके, और मैं आपके हर एक पैसे का हिसाब दूंगा वीडियो में बनाकर कि मैंने आखिर पैसे को क्या किया, फोटोज भी डाल दूंगा, वीडियोज भी डाल दूंगा, ताकि आपको ना लगे कि ये पैसा ले रहा है और अपने खर्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर डाल देता हूं, अगर हो तो एक रुपया डोनेट कर दीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।